गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन टुडे वी आर हियर द पार्ट टू इन इकोनॉमिक चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट। हम बात कर रहे थे कि किसी जगह पर अगर हमें जॉब ऑफर हुई है तो हम बेटर इनकम के साथ साथ फ्रीडम चाहेंगे, रिस्पेक्ट चाहेंगे, अपॉर्चुनिटीज चाहेंगे, वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए और हमारी फैमिली के मेंबर्स के लिए वहाँ अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर होना चाहिए। एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, ट्रांसपोर्टेशन से टेलीकम्युनिकेशंस, जॉब की सिक्योरिटी के साथ साथ हम ये चीज़ वो प्रेफर करेंगे। अगर हमें अनदर जगह पर कोई जॉब ऑफर होती है जहाँ हमारी हाईली पेड जॉब तो है वो, बट नो जॉब सिक्योरिटी, अगर हमारे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इफ़ वी हैव नो जॉब सिक्योरिटी, नो लीव, नो टाइम, हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है अपने फैमिली के साथ, टाइम इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, ऑल्दो वी हैव अ गुड सैलरी, बट इवन वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर टाइम टू फॉर द फैमिली, दिस विल रिड्यूस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये क्या करेगा, हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को कम करेगा। आप देखते हैं सिमिलरली फॉर द डेवलपमेंट, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, सिमिलरली पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल, लोग क्या करते हैं, एक लक्ष्य का मिला जुला मिश्रण देखते हैं, पीपल पहलू को देखते हैं। इट इज ट्रू, यह सच है, इफ पीपल आर इंगेज, यदि पीपल इंगेज हैं इन पेड वर्क, वुमेन आर इंगेज, अगर वुमेन्स इंगेज होती हैं पेड वर्क में जहाँ उनको अच्छी पे मिलती है, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज, उनकी जो डिग्निटी है, जो उनका सम्मान है समाज में, डेफिनेटली बढ़ेगा। इफ़ वी सी दैट इफ द मोस्ट ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी गेट हाईली पेड जॉब, दैट डेफिनेटली द डिग्निटी ऑफ वुमेन, द रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन विल सीन इन द सोसाइटी, उनका सम्मान देखा जाएगा, उनकी डिग्निटी बढ़ेगी। हाउएवर इट इज ऑल्सो एट द केस इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर विल बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड, अगर उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है वुमेन्स को, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड, उनका जो घरेलू काम में उनका जो शेयर रहता है, ज़्यादा काम इन्वॉल्व रहती हैं वो, एंड ए ग्रेटर एक्सपेक्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आवर्स है। तो इस चीज़ को भी मैं स्वीकार करना होगा कि इफ़ द वुमेन्स आर हाईली इंगेज इन आउटसाइड वर्क, देयर डिग्निटी विल इंक्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट विल इंक्रीज, एंड देयर शेयरिंग ऑफ द वर्क विल ऑल्सो इंक्रीज, उनका जो काम का शेयरिंग है वो समाज में आउटसाइड भी बढ़ेगा। सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट रहेगा वुमेन के लिए, वुमेन्स अगर बाहर जा रही हैं तो डेफिनेटली उनको फ्रीडम मिल रही है, इट मीन्स दे आर गेटिंग अ फ्रीडम इन द सोसाइटी एंड टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब, और कई तरह की वैरायटी ऑफ जॉब्स और बिजनेस को वो चला पाएंगी। हैंस द डेवलपमेंट गोल्स, अगर हम डेवलपमेंट गोल को देखें, पीपल हैव नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, लोगों का न केवल बेटर इनकम के बारे में बल जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, एज इफ वी हैव सीन अबव, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल, जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं वो एक अलग अलग लक्ष्य तलाशते हैं लाइफ के लिए, उनके जो लक्ष्य होते हैं, हर इंसान के अलग अलग एम होते हैं लाइफ में, कह सकते हैं कि हर कोई अप लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखता है। देयर नोशंस नेशनल डेवलपमेंट, अगर हम देश के विकास की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द कंट्रीज डेवलपमेंट, इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। इसी प्रकार से एक देश का विकास के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, कह सकते हैं कि बहुत सारे पहलू होते हैं देश के विकास के लिए। इंडिया शुड, अब इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड द इंडिया डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कैसे एक इंडिया डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ सकता है, उसे क्या करना चाहिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड,
बहुत ज्यादा लाइकली अगर हम ये पाए दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चंस। तो अगर हम ये क्वेश्चंस किसी स्टूडेंट से पूछें क्लास में, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट इन द क्लास, तो इट मे बी पॉसिबल दैट द स्टूडेंट मे गिव द डिफरेंट आंसर। इनफैक्ट इसी प्रकार से यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर टू बी टू श्योर ऑन एनी ऑफ दी, और किसी भी एक आंसर में शायद हम श्योर ना हो पाए। इसी प्रकार से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, यह बहुत जरूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि द डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एडवाइजल कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन कंट्री, अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग एक विवादास्पद पहलू हो सकते हैं एक देश के विकास को लेके। हम अगर देखते हैं हाउएवर, जहाँ तक हम देखते हैं, कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली, क्या सभी जो विचार हैं लोगों के क्या इक्वली एक देश के विकास के लिए सभी वो विचार लोगों के महत्वपूर्ण हो सकते हैं? कैन द आइडियाज मे बी आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट, यदि इनमें कोई क्या है कन्फ्लिक्ट है, अगर कोई विरोधाभास है इसमें, तो हम ये देखेंगे हाउ डज वन डिसाइड, कैसे ये डिसाइड किया जाएगा, व्हाट शुड बी फेयर, क्या फेयर है, एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, और सभी के लिए क्या सही। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हमें ये भी सोचना है वेदर कि देयर इज बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्या एक बेटर तरीका है चीज़ों को करने का। वुड द आइडियाज बेनिफिट अ लार्ज नंबर पीपल, क्या एक आइडिया बेनिफिट हो सकता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, ओनली व्हेन ए स्मॉल ग्रुप। नेशनल डेवलपमेंट मींस थिंकिंग, नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम विकास की बात करें, एक राष्ट्र का विकास, इसके लिए हमें बहुत सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा, और इन सभी पहलुओं को स्टडी करने के बाद शायद हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिले। अब अगर हम ये देखें इसमें, लुक एट द पिक्चर्स कह रहे हैं ऑन द राइट, अगर हम राइट में एक पिक्चर्स को देखें, एक बिल्डिंग्स नजर आ रही है, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया। अब आप देख रहे हैं एक साइड में बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही है, बहुत दिस इज वेरी लार्ज बिल्डिंग्स है यहाँ पर, और दूसरी जगह पर नीचे पर कुछ स्लम्स झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो बेसिकली अगर इन स्लम्स एरिया के बदले यहाँ पर भी बिल्डिंग्स हो, शायद वो विकास है, इक्वली एक इक्वल तरीके से इक्वली ट्रीट डेवलपमेंट हो सकता है। एक न्यूज़पेपर की अगर रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, लेट अस रीड द स्टोरी, ए वेसल डंप्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर, एक बर्तन जो वेसल है विसल, उसमें उसको डंप किया जाता है किसी एरिया में, 500 टन्स लिक्विड, 500 टन लिक्विड टॉक्सिक जहरीला वेस्ट क्या किया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको किसी एरिया में डंप किया जाता है, ओपन एरिया में, सिटी में और सराउंडिंग सी, जिसके चारों साइड सी है। दिस हैपन इन ए सिटी कॉल एवरिजन इन आइवरी कोस्ट, एक जगह का नाम, कंट्री इन अफ्रीका में, द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक, जो उसके फ्यूम्स हैं हाईली टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा जहरीले हैं, वेस्ट जो फेंके गए हैं वहाँ पर, जिससे हमें बहुत सारी बीमारी, नोजिया हो जाता है, स्किन रैसेस, स्किन में बहुत तरह छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, या एलर्जी हो सकती है हमें। जब डंप किया बेटा समुद्र में, अगर बहुत ज़्यादा जिसके किनारे, बहुत ज़्यादा समुद्र के किनारे अगर हमने किसी जहरीले टॉक्सिक चीज़ों का वेस्ट मटेरियल डंप कर दिया है, तो डेफिनेटली वो पानी में मिलके पानी को जहरीला कर सकता है, और इससे अगर वो पानी लोग यूज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लोगों में नौजिया है, स्किन रैसेस हैं, फेंटिंग यानी चक्कर आना, फेंट हो जाते हैं, डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। आफ्टर मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, सेवन पर्सन वेर डेड, कुछ महीनों के बाद जब इस तरीके की कंडीशंस वहाँ पर हो गई, वेन दैट एरिया
वॉज हाईली पॉल्यूटेड ड्यू टू द डंप ऑफ दीज टॉक्सिक मटेरियल्स इन दैट एरिया. स्लोली व्हेन द पीपल बिगेन टू यूज दैट वाटर, दैट कॉज द डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स इन द ह्यूमन बींग्स. ये एक कारण था कि ह्यूमन बींग्स में कई तरह के सिम्टम्स नजर आए थे बेटा. मैं कई तरह के, जैसे कह रहा है कि स्किन रैशेस उन्हें हो गई थी, और डायरिया उन्हें हो गया था, नोजिया उन्हें हो गया था, एंड 7 persons वेर डेड. और इसी कारण से इन दिस वे इट दैट टॉक्सिक वाटर वॉज सो पॉइजनस दैट द 7 people वेर डेड. 7 आदमी मारे गए. 20-20 अस्पतालों में थे, एंड 26,000, 26,000 लोगों को ट्रीटेड, उनका इलाज चल रहा था इस सिम्टम्स के कारण जो पॉइजनिंग था, जहरीला था. मल्टीनेशनल कंपनी जो थी डीलिंग इन पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम में डील कर रही थी, एंड मेटल्स हैड कंस्ट्रक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ आइवरी कोस्ट टू डिपोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स. अब आप समझ सकते हैं. एक दूसरा यहाँ पर कह रहा है, ये आपके लिए एक कॉपी वर्क में दे रहा हूँ. व्हाट कैन सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल फॉर योर विलेज. आपके इलाके के लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं. अगर आपके, अगर गांव में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, अगर वहाँ ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो रहा है या हो सकता है, तो आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग रोड इन योर एरिया शायद वो डेवलपमेंट हो सकता है. धारचूला के एरिया में न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, मैं रोज ही सुनता हूँ कि धारचूला के इंटीरियर इलाकों में आज भी टेली कम्युनिकेशन की सुविधाएं नहीं है. वो नेपाल के टेली कम्युनिकेशन पर, टेलीकॉम पर निर्भर है इंडियंस लोग. तो शायद अगर वहाँ पर कोई टावर लगता है फ्यूचर में, तो उन गांव के लोगों के लिए शायद वो डेवलपमेंट हो सकता है. तो एक हम कह सकते हैं, मेरा डिफरेंट पीपल में है डिफरेंट गोल्स फॉर द डेवलपमेंट. विकास के लिए अलग अलग आदमियों के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं. इफ इवन द आइडिया ऑफ वट कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट, जो आइडिया है वट कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट कैन बी वेरीड एंड कॉन्फ्लिक्टिंग. एक अलग अलग, वेरीड मतलब अलग अलग हो सकता है विचार विकास का, कॉन्फ्लिक्टिंग जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता, विच इज क्वाइट कॉन्फ्लिक्टिंग बिटवीन द 2 persons. सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वे ऑफ डेवलपिंग. और इसी प्रकार से एक अलग अलग हो सकता है विकास. इफ यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी, यदि आप ऐसी कोई कंट्रोवर्सी यानी ऐसा कोई विवाद जानते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बाय डिफरेंट पीपल. यू मे डू सो बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पर्सन. आप ऐसा कब कर सकते हैं. इट मे बी पॉसिबल व्हेन यू बिगेन टू टॉक विद द अदर पीपल. यू मे फाइंड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर. और इस तरह के डिस्प्यूट, इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग हमको आसानी से, वी मे गेट सच टाइप ऑफ ए न्यूज विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर और आइदर फ्रॉम द टेलीविजन से हमें मिल सकता है. अब नेक्स्ट ये कहता है बेटा, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स. हम हाउ टू कंपेयर, कैसे कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज को और स्टेट को डेवलपमेंट के सेंस में. हम कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका ज़्यादा डेवलप्ड है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, नेपाल बैकवर्ड कंट्री है. तो हाउ कैन वी से दैट द डिफरेंट कंट्रीज प्रोग्रेस इज क्वाइट गुड. यू माइट आस्क, आपने अक्सर पूछा होगा, इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग. एक विकास एक अलग अलग चीज हो सकती है. हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप. हम कैसे अमेरिका, आज के दिन में अमेरिका को कहते हैं अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री. मैंने बोल तो दिया अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, पर कैसे, मेरे पास ऐसे कौन से प्रूफ हैं और कैसे ऐसे फैक्ट हैं जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है. अब क्वेश्चन ये आता है, तो क्वेश्चन अराइज कि कैसे मैंने अमेरिका को डेवलप्ड कंट्री कहा, मेरे पास ऐसे कौन से एविडेंस हैं, मैंने कैसे इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहा, क्या मेरे पास ऐसे कोई एविडेंस हैं. यस, आंसर इज यस. अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है. अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड है.
अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, अमेरिका में इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। ये कुछ फैक्ट हैं। द पर कैपिटा इनकम ऑफ अमेरिका इज़ वेरी हाई, द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका इज डिपेंड ऑन इंडस्ट्री एंड द नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका इज ऑल्सो वेरी हाई। जिस देश की नेशनल इनकम ज़्यादा होगी डेफिनेटली वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगी। अब इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की नेशनल इनकम भी कम है, दैट इज़ वाई इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी वेरी लोअर। और इंडिया की जो इकोनॉमी है अमेरिका की तो इंडस्ट्री पे डिपेंड है डेफिनेटली, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें बेटा तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। नाउ आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड द डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन है और डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर पे डिपेंड है इकोनॉमी। वहाँ की नेशनल इनकम ज़्यादा है डेवलप्ड कंट्री की और इंडिया की नेशनल इनकम कम है। और अमेरिका की नेशनल इनकम ज़्यादा होने के कारण पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, वहाँ के लोगों की इनकम भी बहुत ज़्यादा है, और इनकम ज़्यादा होने से वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी ज़्यादा है। इफ़ वी कम टू दिस क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चंस। इसी में हमें एक अनदर क्वेश्चंस को राइज करना पड़ेगा। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंस थिंग, जब हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दे कुड हैव सिमिलैरिटी, हमें इसमें सिमिलैरिटीज नज़र आती हैं, एज वेल एज डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं, समानताएं भी नज़र आती हैं और विभिन्नता यानी डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं। इफ यू सी इन द क्लास ऑल्सो, इन क्लास वी सी दी द डिफरेंट स्टूडेंट्स, दे हैव अ डिफरेंट गोल्स, दे हैव अ डिफरेंट चॉइस ऑल्सो, एंड दे आर फिजिकल अपीयरेंस मे बी आर डिफरेंट। विच एक्सपर्ट डू वी यूज कंपेयर, अगर हम क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं तो हमारे पास ऐसा क्या क्राइटेरिया होता है कि हम किसी बच्चे को बेटर बोलते हैं, हम किस बेसिस पे किसी बच्चे को बेटर बोलते हैं, हम किस बच्चे पे किसी बच्चे को इंटेलिजेंट कहते हैं। विच एक्सपर्ट डू वी यूज कंपेयर, लेट अस लुक एट स्टूडेंट। चाहिए आइए देखते हैं कि हम एक अगर एक क्लास 50 स्टूडेंट्स की एक क्लास को अगर हम देखें, इफ़ यू सी द क्लास ऑफ ए 50 स्टूडेंट देन द व्हाट आर द क्राइटेरिया इन क्लास, व्हाट आर द क्वालिटीज इन द स्टूडेंट दैट वी मे ईजली क्लासीफाइड, वी मे ईजली डिफ्रेंशिएट द स्टूडेंट। हाउ डू वी कंपेयर, हम कैसे कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को। दे डिफर इन देयर हाइट, और जबकि एक 50 स्टूडेंट्स की क्लास में सब बच्चों की हाइट तो एक जैसी नहीं होगी, किसी की हाइट ज़्यादा, किसी की मीडियम और किसी की कम हाइट होगी, एंड इसी प्रकार से उनकी हेल्थ भी, कोई स्लिम होगा, कोई फैट होगा, कोई दुबला पतला होगा। दे डिफर इन देयर हाइट एज टैलेंट, कोई सिंगिंग में अच्छा होगा, कोई गेम्स में अच्छा होगा, कोई स्टडी में अच्छा होगा, कोई डांस में अच्छा होगा। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट, और ऐसा हो सकता है उनका इंटरेस्ट भी अलग होगा, हो सकता है फ्रूट्स में किसी को आम खाने पसंद हो और कोई स्टूडेंट्स को आम खाना पसंद ना हो। मुझे आम खाना अच्छा नहीं लगता था व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, इवन नाउ डेज की आई डोंट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ। हेल्थीएस्ट स्टूडेंट जो है, जो बहुत हेल्थी है, अब हेल्थी है तो डेफिनेटली ज़रूरी तो नहीं कि पढ़ाई में भी हेल्थी होगा, कहने का अर्थ है कि इट मे नॉट पॉसिबल कि ही मे बी गुड इन स्टडी ऑल्सो। जो हेल्थी है, हेल्थीएस्ट स्टूडेंट में नॉट द मोस्ट स्टडियस, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं हो सकता, वो पढ़ने में बहुत अच्छा ज़रूरी नहीं है। एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है, ज़रूरी नहीं कि वो हेल्थी हो, वो दुबला पतला हो सकता है, उसकी आई साइट कमज़ोर हो सकती है भूखे स्टडी करने के कारण। तो वन हु मे बी अ वेरी इंटेलिजेंट, नो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही मे बी अ वेरी हेल्थी ऑल्सो, एंड अनदर वन हु इज हेल्थी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही मे बी अ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट ही हो। हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, फिर हम कैसे स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, और जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा फ्रेंडलीस यानी बहुत ज़्यादा दोस्ताना हो, यानी ये फ्रेंडली हो सबके लिए, हो सकता है वो प्राउड ही हो। और जो हेल्थी है सबसे ज़्यादा, वो स्टडियस ना हो, और स्टडियस वाला फ्रेंडली ना हो,
और फ्रेंडली वाला इंटेलिजेंट ना हो। हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, हम कैसे स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं जब लोगों के एक एक क्लास में लोगों का इंटरेस्ट अलग है, बिहेवियर अलग है, हॉबी अलग है, कैसे हम एक स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, कितना टब होता होगा, हम ऐसे कौन सा क्राइटेरिया देख सकते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा हो एंड अनदर वन मे बी आर वेरी गुड इन सिंगिंग ऑल्सो एंड अदर वन मे बी आर गुड डांसर। जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है हो सकता है वो बहुत अच्छा डांसर ना हो, और जो बहुत अच्छा डांसर है हो सकता है वो बहुत अच्छा प्लेयर ना हो। इट मे बी ए पॉसिबल, हाँ ऐसा भी हो सकता है बेटा कि बहुत ज़्यादा अच्छा डांसर है और बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर भी है, वो बहुत अच्छा प्लेयर भी हो सकता है, ही मे बी अ वेरी गुड प्लेयर ऑल्सो। हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, हम कैसे कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को। क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज, हम एक अलग अलग क्राइटेरिया को लेते हैं, उनका उद्देश्य जानते हैं टू चूज ए स्पोर्ट्स टीम, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया। अगर हमें किसी स्पोर्ट्स टीम को चूज करना है या डिबेट टीम को, ए म्यूजिक टीम को, या ए टीम ऑर्गेनाइजर पिकनिक, या एक ऐसी टीम को जो पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रही है, पिकनिक को जा रही है, स्टिल इट फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड, हमें ये देखना होगा एक बच्चे का ऑल राउंड, यानी एक बच्चे को एक स्टडियस होने के साथ साथ हेल्थी भी होना है, और हेल्थी वाले को हेल्थी होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होना है, फ्रेंडली भी होना है, ऑनेस्ट भी बनना है उसे, फ्रेंडली भी बनना है और स्टडियस भी बनना है। तो फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस एक बच्चे की क्लास में हमें देखनी पड़ेगी, हाउ शैल वी डू इट, हमें ऐसा कैसे करना पड़ेगा, इट्स अ क्वेश्चंस की बेटा हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट क्लास में हो। हर बच्चों की क्लास में इंटरेस्ट अलग होते हैं और फ्रेंड सर्कल अलग होता है, इंटरेस्ट के बेस पर ही तो फ्रेंड सर्कल अलग बनाते हैं, जिसके साथ हमारे आइडियाज मैचअप करते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। यूजली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्ट ऑफ द पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक, अदर वर वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्ट भी लेते हैं एक या दो से ज़्यादा पर्सन के, उनको कंपेयर करने के लिए कैरेक्टरिस्ट के बेस पर। ऑफकोर्स वास्तव में देयर कैन बी डिफरेंट says about what are the important characteristics that should form the basis for comparison, friendliness and spirit of cooperation, एक friendliness दोस्ताना, एक मधुर संबंध जो हमारे हैं, and spirit of cooperation, एक सहयोग की भावना, creatively और marks secured, that this is two of the development do, यही चीज़ हम development के इसी भी देखते हैं, जैसे students को हम देखते हैं, एक दोस्ताना भाव हो, सहयोग की भावना हो, creativity और marks हो, secure करने की उसमें एक स्पिरिट हो, दिस इज टू ऑफ डेवलपमेंट, यह डेवलपमेंट के लिए भी देखा जाता है। अगर हम देखें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कंट्रीज विद हायर इनकम, जिन कंट्रीज की मैंने स्टार्टिंग में बताया डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बारे में, कि डेवलप कंट्री वो हैं जिनकी नेशनल इनकम बहुत हाई है, नेशनल इनकम में उन देशों की अर्निंग जो होती है एज अ ट्रांसपोर्टेशन से, टेलीकम्युनिकेशन से, या मैन्युफैक्चरिंग करने से, एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से उस देश को बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, अर्निंग ज़्यादा होने से वहाँ के लोगों को भी ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो डेवलप्ड कंट्री के लिए हमने कहा बेटा कि जो देश की नेशनल इनकम ज़्यादा होती है, इट मीन्स वो मोर डेवलप्ड कंट्री होते हैं, मोर डेवलप्ड एज अदर वेट लेस इनकम, और जिनकी लेस इनकम है, इनकम ज़्यादा नहीं है जिन कंट्री की, वो डेवलपिंग कंट्री होते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम इज ऑल द थिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग नीड, मोर इनकम का अर्थ है अगर किसी को मोर इनकम मिली है या देश की इनकम ज़्यादा है तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर पाएगा, ह्यूमन बींग्स को जो चीज़ें चाहिए,
आज हम अपने देशों में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, एलईडी टेलीविज़न देखते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं या और भी बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि बेटा ये सभी चीज़ें बाहर के देशों में मैन्युफैक्चर्ड हुई है, तो हमने उनको क्या किया है, परचेज किया है, तो हमने बहुत सारी अपनी इनकम को उन देशों में दिया है, तो इससे उस देशों को क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है, एडवांटेज हुआ है। अगर हमारे देश में वो चीज़ें बनी होती, वो चीज़ें हमको सस्ती मिलती और बाहर के देशों में हम बेचते, तो जो इनकम है फॉरेन इनकम हमें प्राप्त होती और देश की इनकम बढ़ती और देश आगे बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। वट एवर द पीपल लाइक एंड शुड हैव दैट विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। वट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री, एक देश की इनकम आखिर क्या होनी चाहिए, क्या होती है, इंटूटिवली द इनकम ऑफ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल नेशनल कंट्री। इट मीन्स एक देश की इनकम का अर्थ क्या है, इट मीन्स द इनकम ऑफ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल नेशनल, यानी एक देश के सभी लोगों की जो इनकम है नागरिकों की, वो भी लास्ट में एक देश की इनकम में इंक्लूड होती है। दिस गिव द टोटल इनकम, इट मीन्स टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री को, अगर इस देश में दो भी टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, कंट्री की जो टोटल इनकम है उसमें अगर हम पॉपुलेशन की, देश की टोटल पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम, एक आदमी की पर कैपिटा इनकम निकल आती है। इट मीन्स पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन, इस तरह से एवरेज इनकम निकल आती है बेटा। तो हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्री, तो हम एक दो देशों को शायद पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर ही कंपेयर करते होंगे, बिल्कुल बेटा, डेफिनेटली वी कंपेयर द टू कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। कंपेरिजन बिटवीन द कंट्री, टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर, क्योंकि टोटल इनकम सच यूजफुल मेजर नहीं है उतना, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन होती है। कंपेयरिंग टोटल इनकम, अगर हम टोटल इनकम को कंपेयर करें, विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पीपल इज लाइकली टू अर्न। कंपेयरिंग करें अगर हम टोटल इनकम को, ये नहीं बताएगा, विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज। अगर हम हर कंट्री की या हर स्टेट की पॉपुलेशन को स्टडी करें, तो ये नहीं बताएगा कभी कभी कि आखिर पर कैपिटा इनकम कितनी है। सपोज मैं पंजाब की स्टेट की पर कैपिटा इनकम निकालनी, तो मैंने आपको बताया द इनकम ऑफ ए स्टेट को अगर हम पंजाब की पॉपुलेशन, पंजाब की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पंजाब की पर कैपिटा इनकम का पता लग जाना चाहिए। पर कभी ग्रेविटेटली क्या होता है कि पॉपुलेशन तो एक अनुमानित होती है, एस्टिमेट होता है, कभी कोई मर जाता है नहीं, पैदा हो जाते हैं। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन डिफरेंट कंट्री, क्या जो पीपल होते हैं, आर पीपल इन वन कंट्री, जो एक देश में जो लोग हैं, बेटर ऑफ, कई अच्छे होते हैं देन अदर देन ए कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज के मुकाबले में, क्या एक देश में रहने वाले लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम, इसके लिए हम एवरेज इनकम को ही कंपेयर करते हैं, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, जिसको टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री भी बोलते हैं। या आप एग्जाम के लिए याद रखेंगे, एवरेज इनकम निकालते कैसे हैं, एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, विच इज द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। अगर हम टोटल पॉपुलेशन से एक देश की कंट्री की इनकम को अगर हम उस देश की पॉपुलेशन से डिवाइड करें, यानी उस देश में रहने वाले लोग, यानी एक देश कितना बांटेगा, अरे भाई एक देश उतना ही बांटेगा जिसमें जितनी उसकी अर्निंग है, तभी उसकी देश की अर्निंग में उस देश में रहने वाले लोगों का डिवाइड किया जाता है, तभी एवरेज इनकम निकलती है। इट्स टोटल पॉपुलेशन, द एवरेज इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इधर डब्ल्यू की रिपोर्ट थी, एक डब्ल्यू डी आर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो थी, विश्व विकास की रिपोर्ट 2006 की, ये क्या करता है, अमेरिका की एक संस्था है, ब्रॉट अप बाय वर्ल्ड बैंक और एक
यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है हर साल। जिस क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया लिया जाता है वर्ल्ड बैंक अमेरिका में है, हमने पॉलिटिकल में पढ़ा था 9th क्लास में। वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया लेता है देश को क्लासिफाइड करने के लिए, कंट्री विद पर कैपिटा इनकम, वो कहता है 4,53,000 पर एनिमम, जिसकी देश की पर कैपिटा इनकम है वो देश क्या है क्लासिफाई किया उन्होंने, रिच कंट्री माना। ये बेटा हर साल के आंकड़े अलग अलग आते हैं, ये काफ़ी पुराना डाटा है इसमें 2004 का, कि वो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम 4,53,000 है वो देश रिच कंट्री की कैटेगरी में आते हैं, एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम, और वो देश जिनकी पर कैपिटा इनकम 37,000 से भी कम है आर कॉल लो इनकम। वो देश कैसे हैं? वो देश लो इनकम वाले हैं। इंडिया कम इन द कैटेगरी। और अभी देखिए मैंने आपको बताया कि इंडिया, शायद इंडिया की जो इनकम है पर कैपिटा 37,000 से शायद काफ़ी कम है, इसलिए इंडिया लो इनकम वाले कंट्रीज में आता है। इट्स पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की थी 2004 की 28,000 थी, और ऊपर क्या कहता है, ऊपर ये कहता है जिन कंट्री की पर कैपिटा इनकम 37,000 या 31,000 के आसपास या उससे कम है वो देश लो इनकम वाले कंट्री में आते हैं। और 2004 में ही बेटा जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उन्होंने इंडिया को लो इनकम वाला कंट्री बताया था। द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्री ऑफ मिडिल एज एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। जो रिच कंट्री हैं और मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्वी के जो देश हैं, सऊदी अरब है, इराक है, रियाद जो सऊदी अरब कंट्री है जहाँ तेल ज़्यादा होता है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है जो, उनको डेवलप्ड कंट्री कहा गया है। अगर हम इसको एक एवरेज इनकम देखें बेटा, इस एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा जो एवरेज इनकम है कैसे निकाली जाती है, मैंने आपको बताया था। इसमें हम दो देशों को लेंगे बेटा, वी आर टेकिंग द टू कंट्री आर कंट्री ए एंड कंट्री बी। इसको ऐसे एग्जांपल से आप समझिए, मानो मैंने आपसे कहा इन दोनों ए और बी की कंट्री की जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो है 6,000, दोनों देशों की कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो 6,000। लेकिन अगर मैं कहूँ जो कंट्री ए में, कंट्री ए में ज़्यादातर 90% पीपल की जो एवरेज इनकम है वो 4,000 से 6,000 के बीच में है, यानी कि वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हुआ है कंट्री ए में। वहीं कंट्री बी में जो 90% पीपल हैं उनकी जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो 500 से कम है, या 500 ही है आप कह सकते हैं। तो इट मीन्स 10% लोग ही ऐसे हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है। तो कंट्री बी में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनकी में क्या हुआ है, डिस्पैरिटीज आ गई, विभिन्नता, यानी नेचुरल रिसोर्स को इक्वली हम क्या नहीं कर पाए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। लेकिन कंट्री ए में अगर इनकी जो नेशनल पर कैपिटा इनकम 6,000 है और जहाँ 90% लोगों को 4,000 से 6,000 मिलता है, केवल 10% लोगों को ही नहीं मिलता, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कंट्री ए में। लेकिन कंट्री बी में अगर हम देखें जहाँ पर 90% लोगों की जो सैलरी है या पर कैपिटा इनकम है वो 500 से भी कम है, तो आपके 10% लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है जहाँ, और एक बड़ा वर्ग 90% लोगों को बहुत ही कम सैलरी मिलती है, तो ऐसी कंट्री में, कंट्री बी में रहना शायद ज़्यादा अच्छा ना हो। तो अगर हम इसको स्टडी करेंगे, लेट अस कंसीडर टू कंट्री का अगर हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, एंड ए एंड बी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी की अगर हम बात करें, वी हैव एज्यूम दे हैव ओनली 5 सिटीजन। कंट्री ए में भी 5 सिटीजन को लिया हमने बेटा एवरेज इनकम में, कंट्री बी में भी हमने 5 सिटीजन को लिया है। अब देखिए बेटा, बेस ऑन द डाटा गिवन इन टेबल 1.2 कैलकुलेट कर रहे हैं हम एवरेज इनकम को यहाँ पर। विल
विल यू बी इक्वली हैप्पी, क्या आप इक्वली रूप से जाए कंट्री ए में रहें या कंट्री बी में रहें, क्या आप खुश रहेंगे, किस देश में आप ज़्यादा खुश रहेंगे? Perhaps some of us may like to live. इसमें से कुछ लोग शायद बी में रहना पसंद करें. क्यों रहना पसंद करें? क्योंकि वहाँ इक्वली मिल रहा है. लेकिन वहाँ 90% लोगों को 500 मिल रहा है, 10% लोग ही तो ऐसे हैं वहाँ पर, एक पाँचवा वर्ग जो है इसको 48,000 जिसकी सैलरी है. इफ़ वी आर एश्योर्ड ऑफ बींग इन फिफ्थ सिटीजन को देखते ही हम कहेंगे बाप रे, एक पाँचवें सिटीजन को तो यहाँ 48,000 मिल रही है, इसलिए बी कंट्री में रहना चाहिए हमें. लेकिन वहीं पर आप देखिए इक्वली थोड़ा सा 19-20 का अंतर है कंट्री ए में सैलरी का. लेकिन कंट्री बी में 90% लोग ऐसे हैं जिनको शायद 500, ओनली 10% पीपल. यहाँ एक ही वर्सन को दिखाया गया है इसमें, एश्योर्ड आप बिंग फिफ्थ सिटीजन को देखते हुए शायद आप कंट्री बी में रहना ज़्यादा पसंद करें. इफ इट इज अ लॉटरी डेट डिसाइड अवर सिटीजन अ नंबर देन पर एस मोस्ट ऑफ अस विल प्रिफर टू लिव इन कंट्री. इवन थॉट बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम कंट्री. आप देख रहे हैं इसमें सिटीजनशिप नंबर्स देन पर हैव्स मोस्ट ऑफ अस विल प्रीफर टू लिव इन कंट्री. बहुत सारे लोग कंट्री ए में रहना पसंद करेंगे. क्यों? इवन थॉट बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज, दोनों की जो एवरेज है आइडेंटिकल एवरेज है. कंट्री ए इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज मोर इक्विटेबल, क्योंकि कंट्री ए में जो सैलरी का, जो वेजिस का, जो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बेटा, वो लगभग इक्वली हुआ है. यानी अगर हम कहें कि हमने 1 से लेकर 10 तक सिटीजन्स को 15,000 दिया, फिर 10 से 20 तक सिटीजन को हमने 12,000 दिया, फिर 20 से 30 तक हमने 15 दिया, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है. लेकिन हम कहेंगे कि हमने 1 सिटीजन से लेकर 30 सिटीजन्स को हमने क्या कहते हैं 5,000 रुपये दिया, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज का नहीं कहलाएगा. इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच. क्यों बेटा? क्योंकि कंट्री ए में जो सिटीजन होंगे वो ना ज़्यादा रिच होंगे ना ज़्यादा पुअर होंगे. लेकिन कंट्री बी में आप देख रहे हैं जहाँ 90% लोगों की जो एवरेज इनकम है वो 500 ही है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या होंगे? गरीब होंगे. कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच और एक्सट्रीमली पुअर. ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिटीजन कंट्री बी में भाई आपको पुअर मिलेंगे, एंड हैंस पर्सन इज एक्सट्रीमली रिच. और पर्सन क्या होंगे? एक्सट्रीमली रिच होंगे. इज यूजफुल हुआर कंपेयर, इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज, क्योंकि कंट्री बी में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है हमें ये नहीं बता रहा है. इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज. अब यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा कार्टून है, कंट्री विथ नो रिच नो पुअर. देखो बेटा यहाँ पर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ ना रिच होंगे ना पुअर होंगे. ये कह रहा है यहाँ पर जो चेयर बनी हुई है उनमें सब इक्वली रूप से बैठने का अधिकार प्राप्त करते हैं. यानी सभी लोगों के पास जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इक्वली हुआ है. नेचुरल रिसोर्सेस वहाँ पर इक्वली, वैसे फायदा क्या होता है ना, एक्सप्लोटेशन नहीं होता है वहाँ पर सिटीजन का ज़्यादा अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में. लेकिन यहाँ पर इंडिया जैसे कंट्रीज में या नेपाल जैसे कंट्रीज में आप देखिए यहाँ पर जो चेयर बनी है उसमें चारों चेयर में तो एक ही बनाई है. यानी मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ जो सिटीजन्स हैं उनके पास पैसा इतना ज़्यादा पैसा है कि उनकी आने वाली जनरेशन के लिए भी उनके पास इतना इनकम है, इतना ज़्यादा गोल्ड है, वो टैक्स नहीं देते सरकार को. वहीं एक वर्ग ऐसा भी है इंडिया का जो सड़कों पे सोता है या जिन झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, उनके पास इनकम के सोर्स नहीं है. वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स पर डिपेंड होते हैं, पेंशन पर डिपेंड होते हैं, उनके पास अर्निंग के सोर्सेस नहीं है. वहीं जहाँ कंट्री में रिच और पुअर, जो ज़्यादा रिच और पुअर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पुअर ज़्यादा है, वहाँ पर आप देखिए टू चेयर्स में ही, यानी कि एक खाने वाले बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, प्रोडक्शंस करने वाले इंडिया में नहीं है बेटा. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर लेटर वी विल डू. वी मेड दिस चेयर एंड टू, हमने ये चेयर बनाई है कह रहे हैं चारों, और चारों ही उसमें बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा बेसिकली? उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा. इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली अच्छी तरह से ना हो, तो लैंड पे ज़्यादा बर्डन बढ़ने से कई सारी वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशंस हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी इस तरीके से. अब बेटा इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया अगर हम देखें, इफ वी सी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, वी लुक द इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ,
लोग हम ये देखते हैं कि बेटर इनकम, हमने पहले भी पढ़ दिया बेटा कि बहुत सारे लोग, अगर हमें किसी जगह जॉब ऑफर होती है, वी नॉट ओनली सी द बेटर इनकम, हम बेटर इनकम ही नहीं देखते, हम जॉब सिक्योरिटी भी देखते हैं, हम फैमिली के मेंबर्स के लिए फैसिलिटीज भी देखते हैं, हम पीसफुल इन्वायरमेंट देखते हैं, हम रिस्पेक्ट ऑफ अदर देखते हैं, हम नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ेगा हमें, जहाँ सामाजिक भेदभाव ना हो, रिस्पेक्ट हो, फ्रीडम हो हमें, पीसफुल इन्वायरमेंट हो, और एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, टेलीकम्युनिकेशन जैसी फैसिलिटीज भी हो, कुल मिला के ओवरऑल वहाँ पर हमारी लाइफ यानी हमारी जॉब सिक्योर हो। हम ऐसी जॉब ऑफर करें हमें कोई जहाँ पर हमारी इनकम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमें फ्रीडम नहीं है, पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं है, तो हम ऐसी जगह पर शायद जॉब एक्सेप्ट ना करें बेटा। हमने ये पढ़ा है और आपको ये अच्छी चीज़ तरह से आता है, बट ऑल्सो हैव गोल, हमारे पास और अदर चीज़ें भी, हमें सिक्योरिटी देखनी है, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इनकम आई है क्या फ़ायदा। अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों को 5 लाख रुपया तक मिल रहा था, 2 लाख लेने वाले एक कॉमन लोग, 2 लाख लेने वाले मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग भी थे, लेकिन वो लोग 4 मंथ से घर में बैठे हैं। वहीं जो जिनकी जॉब सिक्योर थी, भले ही उन्हें 20,000 मिल रहा था, 10,000 मिल रहा था, इफ दियर जॉब इज सिक्योर, वो मिलता है उन्हें, कंटिन्यूसली मिल रहा है उन्हें, रिस्पेक्ट अगर उन्हें मिल रही है लोगों से, फ्रीडम उन्हें मिल रही है, डिग्निटी उन्हें है, रिस्पेक्ट मिल रही है, और इक्वली ट्रीटमेंट ट्रीट किया जाता है, फ्रीडम मिल रही है उन्हें, तो वो चीज़ें वो प्रेफर करेंगे। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ नेशन, इसी तरह से अगर हम राष्ट्र की बात करें हैं, वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट देखा जाएगा, व्हाट कुड बी एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, लेट अस एग्जामाइन दिस। तो एन एग्जाम्पल, पर कैपिटा इनकम, अगर हम पर कैपिटा इनकम पंजाब की देखें बेटा, और केरला की और बिहार की, अगर हम तीन स्टेटों की पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या दिखता है, एक्चुअली दिस फिगर जो पर कैपिटा इनकम की है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के किस ईयर के हैं बेटा, ये करंट प्राइस में 2002 के हैं, ठीक है। लेट अस इग्नोर, हमें ये इग्नोर करना चाहिए, वर्ड दिस कॉम्प्लिकेटेड, कौन सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल हो सकती हैं टर्म, एग्जैक्टली मीन्स रफली वी कैन टेक टू पर कैपिटा। अगर हम केरला, महाराष्ट्र और सॉरी बिहार और पंजाब, पंजाब केरला और बिहार का देखें, आपको क्या लगता है इन तीनों में कौन से स्टेट की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा दिखेगी। वी फाइंड थ्री पंजाब हैज द हाइएस्ट, हम तीनों स्टेटों की पर कैपिटा इनकम को यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया 1.3 में बेटा, इसमें हम देख रहे हैं पंजाब, ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है 2002 और 3 का डाटा पूछ देता है एग्जाम में कि कौन से स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है वो हाई होगी। डेफिनेटली अगर पंजाब, क्या कहते हैं, पंजाब के लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं बेटा, एजुकेशन से मतलब नहीं है, पंजाब के लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, अर्निंग ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है 26,000 दिखाई गई है इसमें। वहीं केरला के लोग एजुकेटेड तो हैं, द पीपल ऑफ केरला आर एजुकेटेड बट दियर इनकम इज नॉट हाई एज कंपेयर टू द पंजाब 22,800, बिहार की है 5,700 यानी कि 5,700, बिहार की सबसे कम है, लिटरेसी लेवल वहाँ कम है, वहाँ पर उतना मैन्युफैक्चर्स नहीं होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होता, बिहार के जो लोग हैं बेसिकली फार्मिंग पे डिपेंड रहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं है बिहार में, गरीबी देखी जाती है, इस तरह से उस स्टेट की पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा नहीं देखी गई है, यानी कि केरला से भी कम। केरला में हाँ मेडिकल फैसिलिटी या स्कूल ज़्यादा होने से हो सकता है, वहाँ पर ये दो फैक्टर ऐसे हो सकते हैं कि जो वहाँ पर वहाँ की पर कैपिटा इनकम को बिहार से थोड़ा सा आगे लेवल पे ले गए हैं, पर नॉट एज हाई एज पंजाब। पंजाब के जो फार्मर हैं, फॉस्फोरस हैं, उनके पास ट्रैक्टर है, वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, और अपने स्टेट में जो गेहूं और चावल या जो भी उनके यहाँ मक्का बहुत ज़्यादा होता है उसको अपने फैमिली के लिए कंज्यूम तो करते ही करते हैं, और बीजों को बचा के रखते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और जितना सरप्लस क्रॉप होती है पंजाब में वो दूसरे स्टेट को या अपने स्टेट की गवर्नमेंट को फेयर प्राइस में, फेयर मैक्सिमम प्राइस में बेच देते हैं।
बिहार इज एज द बॉटम बेटा, इसमें हमें बिहार वहां भी बॉटम में दिख रहा है। द मीन्स दैट ऑन एवरेज पर्सन पंजाब की जो अर्निंग है 26,000 है इन 1 ईयर, वेयर एज ऑन एवरेज ए पर्सन इन बिहार वुड अर्न ओनली अराउंड 5,500। बिहार में केवल 5,500, पंजाब में 26,000। आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंसेस दिखा रहे हैं हमें। पंजाब की पर कैपिटा इनकम 26,000 पर्सन और बिहार के 5,500, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक जमीन है तो एक आसमां है। पर कैपिटा इनकम वेट बी यूज टू मीजर ऑफ डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम को अगर हम विकास के लिए मापते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पंजाब को हम ज़्यादा अर्निंग करने वाला स्टेट बोलेंगे। स्टेट की अर्निंग ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों की ज़्यादा है तो पंजाब ज़्यादा बेटर स्थिति में माना जाएगा। पंजाब विल बी कॉन्सिडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार को लीएस्ट डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा इंडिया का। इन तीन स्टेटों को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया। लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डाटा प्रटेनिंग इन दीज स्टेट्स गिव इन द टेबल 1.4 में। अगर हम ये डाटा देखें बेटा, इसमें हम तीन डाटा ले रहे हैं 1.4 में। सम कंपेरेटिव डाटा ऑन इन्हीं तीन स्टेटों का। अभी हमने पर कैपिटा इनकम के बारे में देखा कि पंजाब ज़्यादा आता है, तो पंजाब में पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा थी, तो पंजाब में इस पर कैपिटा इनकम के अलावा जो और डाटा हम देते हैं, क्या पंजाब उनमें भी आगे हैं? क्या पंजाब लिटरेसी लेवल में भी आगे है? क्या पंजाब हेल्थ स्टेटस में आगे है? ये देखते हैं। आइए, पंजाब में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो था IMR जो हमने पढ़ा था 49 है वहां पर, यानी कि केरला के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा। केरला में जो इन्फेंट मोर्टिलिटी यानी 1,000 बच्चों में मरने वालों की संख्या, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1,000 बच्चों में जो मरने वालों की संख्या है पंजाब में 49 है, काफी ज्यादा है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर अपना बर्थडे भी नहीं बना पाते हैं, यानी उन्हें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, कुपोषित हो जाते हैं वो। केरला में लोग एजुकेटेड हैं, वो केयरिंग अच्छी करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, तो वहाँ पर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो 11 है, यानी कि पंजाब से काफ़ी कम। बिहार में 60, यानी अगर बिहार में लिटरेसी लेवल कम है तो ये एक मेन फैक्टर है कि ड्यू टू इलिटरेसी द पेरेंट्स ऑफ बिहार आर अननोन। वो अननोन है हेल्थ केयर के लिए अपने बच्चों की। इसी कारण से ये तीनों, अगर हम का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देखें तीनों स्टेट का, जहाँ पंजाब को हमने सबसे बेस्ट पाया पर कैपिटा इनकम में, वहीं पंजाब को हमने इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में दूसरे नंबर पे पाया। यानी कि फर्स्ट में केरला सबसे आगे है, वहीं केरला दूसरे नंबर पे था पर कैपिटा इनकम में, पंजाब फर्स्ट में था। वहीं लिटरेसी लेवल देखें, इन तीनों में लिटरेसी लेवल में आप देख रहे हैं 91%, यानी केरला में लिटरेसी पर्सन में नंबर 1 में आया है और पर कैपिटा इनकम में दूसरे नंबर पे आ गया है वो। और 70% लिटरेसी रेट पंजाब में है, वही उससे भी बहुत कम। यानी कि एक तो पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज़्यादा है पंजाब में और लिटरेसी लेवल भी लगभग ठीक ठाक है, यानी वो एजुकेटेड भी है। और बिहार में ना ही पर कैपिटा इनकम ज़्यादा अच्छा है और ना ही इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट वहाँ की अच्छी है, और ना ही लिटरेसी लेवल, यानी तीनों ही फैक्टर में बिहार सबसे बैकवर्ड में माना जा रहा है बेटा। नेट अटेंडेंस रेशियो ऑफ क्लास 1 से 5 के बीच में अगर हम देखें 1995 का एक डाटा बता रहा है बेटा। ये तो 1993 का डाटा था, देखा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में किस ईयर का डाटा था ये आपको पता होना चाहिए बेटा। 81, यानी कि पंजाब में जो अटेंडेंस रेशियो था स्कूल में, अटेंडेंस का रेशियो 81 था, यानी कि 81% वहाँ बच्चे स्कूल अटेंटिव होते हैं, और केरला में 91, डेफिनेटली वेरी गुड। बिहार में 41 था, यानी कि बिहार में स्कूल पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी, उनके अटेंडेंस की अगर हम बात करें वो भी क्या था बेटा, काफी कम था। इतना हमने आज के लिए पढ़ा, आई होप आपके समझ में आया होगा। वी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, द वीडियो 3। गुड डे।